हेलो गाइस एंड वेलकम बैक। सो गाइस ये जो वीडियो है ये एल्बो का लेटरल कोलेटरल लिगामेंट टेस्ट करने के लिए होता है। सो इट इज़ अ स्पेशल टेस्ट। हम लोग कोलेटरल लिगामेंट देखेंगे, लेटरल कोलेटरल लिगामेंट। अब इसके लिए मैं पेशेंट पोजीशन आपको दिखा देता हूँ। देखिए पेशेंट पोजीशन सेटिंग है। इसके बाद थेरेपिस्ट को यह करना है कि थेरेपिस्ट को पेशेंट को 20-30 degrees एल्बो फ्लेक्शन करवाना है, थोड़ा सा एब्डक्शन में लेकर आना है। एल्बो को जो है अपने आर्म के पास से, फोर आर्म के पास से पकड़ के रखना है और फिर कोलेटरल लिगामेंट के लिए टेस्ट देना, सॉरी स्ट्रेस देना है। अब देखिए मैं आपको परफॉर्म करके दिखाता हूँ। ये पेशेंट पोजीशन है सिटिंग, मैंने 20-30 degrees फ्लेक्शन करवा दिया। इसके बाद मैंने अपने साइड में इनके हाथ को टक कर लिया। अब देखिए लेटरल कोलेटरल लिगामेंट के लिए है, इसलिए एक हाथ आपको नीचे की तरफ रखना है जस्ट डिस्टल ऑफ द एल्बो जॉइंट और एक हाथ आपको रखना है जस्ट प्रॉक्सिमल टू द एल्बो जॉइंट और फिर आपको एक स्ट्रेस बाहर की तरफ प्रोवाइड करना है ताकि आप लिगामेंट को स्ट्रेच करके देख सकें। मैं टेस्टिंग में आपको सिर्फ एक साइड करके बता रहा हूँ, मगर आपको क्लिनिकल प्रैक्टिस में दोनों तरफ करके देखना है। अगर दोनों तरफ के टेस्ट करने पर आपने ये पाया कि जो मूवमेंट है वो ज़्यादा है तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि लैक्सिटी है, और अगर कोई ज़्यादा मूवमेंट हो रही है दोनों तरफ से करके देखा तो हो सकता है लेटरल कोलेटरल लिगामेंट डैमेज हो। सो गाइस दिस वाज एन स्मॉल टेस्ट, स्मॉल एग्जांपल ऑफ हाउ टू चेक लेटरल कोलेटरल लिगामेंट ऑफ द एल्बो जॉइंट।